चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। भोपाल से खबर है, आपको बता दें, जहां ए टेंडरिंग घोटाले को लेकर मंत्री गोविंद सिंह का बयान सामने आया है। संघ की शाखा में सरकार को बदनाम करने की ट्रेनिंग दी जाती है, कांग्रेस किसी तरह की तोड़ फोड़ नहीं करती है, ये बयान सहकारिता मंत्री गोविंद सिंह का है। उन्होंने ई टेंडरिंग घोटाले को लेकर ये बयान दिया है। ई टेंडरिंग घोटाले में किसी भी आरोपी को नहीं बख्शा जाएगा, ये उन्होंने कहा है। साथ ही संघ की शाखा में सरकार को बदनाम करने की ट्रेनिंग दी जाती है, तो ये बयान सामने आया है। कांग्रेस किसी तरह की तोड़ फोड़ नहीं करती है, तो कांग्रेस किसी भी तरह की तोड़ फोड़ नहीं करती है, ये कहा है सहकारिता मंत्री गोविंद सिंह ने। ये बयान उनका सामने आया है। आपको बता दें, ई टेंडरिंग घोटाले में किसी भी आरोपी को नहीं बख्शा जाएगा। आपको बता दें, ई टेंडरिंग घोटाले को लेकर लगातार जो सियासत है वो एक बार फिर गर्माने लगी है, और इसे लेकर गोविंद सिंह का बयान भी सामने आया है। ये भी कहा है कि किसी को भी इस घोटाले में जो भी शामिल होगी उन्हें नहीं बख्शा जाएगा, और कांग्रेस जो है वो किसी भी तरह की तोड़फोड़ नहीं करती है, और जो संघ की शाखा है वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है बदनाम करने की, तो संघ की शाखा में सरकार को बदनाम करने की ट्रेनिंग दी जाती है, कांग्रेस किसी तरह की तोड़फोड़ नहीं करती है, ये कहा है सहकारिता मंत्री गोविंद सिंह का बयान। तो भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, सहकारिता मंत्री का ये बयान सामने आया है। आपको बता दें, ई टेंडरिंग घोटाले को लेकर लगातार प्रदेश में एक बार फिर सियासत गर्माने लगी है। पक्ष विपक्ष से लेकर निशाना साध रहे, तो वहीं कांग्रेस का ये कहना है कि शिवराज सरकार में ई टेंडरिंग घोटाला हुआ है और इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें नहीं बख्शा जाएगा, तो वहीं यही कहना है कि जो भी दोषी उन्हें नहीं बख्शा जाएगा, ये कहना है गोविंद सिंह का। और संघ की शाखा में भी सरकार को बदनाम करने की ट्रेनिंग दी जाती है, ये उन्होंने कहा है। तो शिवराज सरकार के दौरान ई टेंडरिंग घोटाला हुआ है, कांग्रेस का ये आरोप है, और कांग्रेस भी ये कह रही है कि ई टेंडरिंग घोटाले में जो भी शामिल है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस किसी तरह की तोड़फोड़ नहीं करती है, और तो कांग्रेस किसी भी तरह की तोड़फोड़ नहीं करती है, और ई टेंडरिंग घोटाले में किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, जो भी आरोपी है उस पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, संघ की शाखा में सरकार को बदनाम करने की ट्रेनिंग दी जाती है, तो ये बयान सामने आया है। सहकारिता मंत्री गोविंद सिंह का ये बयान सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से हम आपको दे रहे हैं। ई टेंडरिंग घोटाले को लेकर एक बार फिर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है, लगातार इस पर बयानबाजी चल रही है, तो वहीं सहकारिता मंत्री गोविंद सिंह का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस किसी तरह की तोड़फोड़ नहीं करती है, और ई टेंडरिंग घोटाले में जो भी आरोपी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, ये कहना है गोविंद सिंह का। तो आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, और सीधा उन्होंने निशाना साधा और कहा है कि संघ की शाखा में सरकार को बदनाम करने की ट्रेनिंग दी जाती है, तो ट्रेनिंग दी जाती है सरकार को बदनाम करने की संघ की शाखाओं में। सीधा सीधा उन्होंने निशाना साधा है, तंज कसा है, और साथ ही ये भी कहा है कि जो भी आरोपी होगा इस पूरे घोटाले में सभी पर कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगी, और पूरे मामले की जाँच भी अब चल रही है। तो एक बार फिर उजागर हुआ है टेंडरिंग घोटाला, और लगातार इस पर प्रदेश की सियासत भी गर्मा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अरुण तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण जी, गोविंद सिंह का बयान सामने आता है, उन्होंने कहा है कि संघ की जो शाखा है उसमें सरकार को बदनाम करने की ट्रेनिंग दी जाती है। आज यहाँ देखिए, ये दरअसल पूरा ई टेंडरिंग मामले को के आसपास घूमते हुए बयान है, और जिस तरह से नरोत्तम मिश्रा के जो सहायकों की गिरफ्तारी हुई है, यूडब्ल्यू में जो मामला दर्ज किया है, गिरफ्तारी की है उनकी, और उसके बाद कांग्रेस को लगता है कि ये सीधे नरोत्तम मिश्रा से जुड़ते हैं, और इसीलिए अब हर डिटेलिंग जांच की होगी। गोविंद सिंह ने वही कहा है, इसके बाद नरोत्तम मिश्रा ने आज बोला था कि सरकार कांग्रेस की है, सरकार जो चाहे जांच करा ले, अगर जिस तरह की जांच चाहती है जांच करा ले। ई टेंडरिंग मामले की जांच तो दरअसल बीजेपी सरकार ने कराई है, और इसीलिए हमने तो उसका खुलासा किया है। नरोत्तम मिश्रा ने ये कहा, तो उस पर डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा है कि सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री है, सामान्य प्रशासन मंत्री है, और इसीलिए उन्होंने कहा है कि
की हर तरह से जांच की जाएगी, लेकिन हाँ जिस तरह से गोविंद सिंह संघ पर निशाना साधते रहे हैं, उनके बयान जो आए हैं संघ को लेकर वो आते रहे हैं और विवादित होते भी रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने उसके आगे जोड़ा है कि संघ की शाखाओं को बदनाम करने का पाठ भी कांग्रेस पढ़ाएगी। जाहिर तौर पर वो पहले भी संघ पर इस तरह की टिप्पणी कर चुके हैं, बम बनाती है संघ, आतंकवादी संगठन है संघ। प्रज्ञा ठाकुर को जब टिकट मिला था उस समय भी गोविंद सिंह के कुछ बयान सामने आए थे, तो जाहिर है वो करते रहे हैं, और इसीलिए उसी कड़ी में उन्होंने एक और बार लगाया है कि संघ को जो जो कुछ उसकी शाखा में होता है वो तो सब बेनकाब किया जाएगा, और इस बात के लिए कांग्रेस आगे बढ़ेगी और सरकार भी इस मामले में आगे बढ़ेगी कि संघ की शाखाओं में क्या क्या होता है वो दरअसल जनता को बताएंगे कि वो कोई राष्ट्रवाद का पाठ वहाँ पे नहीं पढ़ाया जाता। जी बिल्कुल अरुण जी, जिस प्रकार से नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा था कि छोटी छोटी मछलियों पर वार करने से क्या होगा, ये बयान भी उनका सामने आया था जब गिरफ्तारी की बात की गई थी, उनके जो निकट के लोग हैं उनकी गिरफ्तारी की बात, उनकी जांच की बात जब की जा रही थी, उनके घर पर जब जांच की गई थी, तो उन्होंने कहा था कि अगर सरकार में दम है, कि कमलनाथ में दम है, तो मुझ पर वार करे, छोटी छोटी मछलियों को जांच करने पर क्या फायदा, ये भी उनका एक बयान सामने आया था। आज देखिए व्यापम के बाद एक बड़ा घोटाला ई टेंडरिंग वाला सामने आया था, और उसमें भी कई बड़े लोगों की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है, जिसमें अधिकारी शामिल है, जिसमें पॉलिटिशियन शामिल है, और इसीलिए नरोत्तम मिश्रा ने एक तरह से चैलेंज ही दिया था कि जैसे उनके सहायकों को गिरफ्तार किया गया है कि छोटी छोटी मछलियों पर सरकार वार कर रही है, और उसको करना है तो बड़े लोगों को पकड़े जो उसमें शामिल थे, या जिस तरह की जांच चाहे वो, अगर उसको शक होता है कि और वो लोग शामिल हैं, उन पर जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं, तो वो किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार हैं, और वो सरकार स्वतंत्र है किसी भी एजेंसी से जांच कराए, वो हर तरह की जांच के लिए तैयार है। तो जाहिर है एक बड़ा मामला ई टेंडरिंग का आया था, और कांग्रेस को अब लगता है कि व्यापम के बाद यदि बीजेपी को घेरने का कोई बड़ा हथियार अगर है तो वो ई टेंडरिंग मामला है, और इसीलिए व्यापम मामले पर भी एक हाउस में देखा होगा सदन में व्यापम मामले पर भी सवाल आए, फिर से जांच कराने की बात हुई, और एसटीएफ फिर से जांच कर भी रही है, और उसी तरीके से अब ई टेंडरिंग मामला आगे बढ़ा है, इसमें अब गिरफ्तारियां शुरू हुई है, तो सरकार इसकी भी विस्तार से जांच कराने वाली है। उसको लगता है कि ई टेंडरिंग और व्यापम जैसे मामले कई बड़े लोगों के नाम सामने आएंगे यदि इसकी जांच की जाएगी, और अगर वो सामने आते हैं तो जाहिर है कांग्रेस के लिए बहुत पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा, और बीजेपी के लिए ये घातक भी रहेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो ई टेंडरिंग घोटाले को लेकर अब प्रदेश की सियासत एक बार फिर गर्माने लगी है, पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं सहकारिता मंत्री गोविंद सिंह का ये बयान सामने आया है, ये कहा है उन्होंने कि ई टेंडरिंग घोटाले में जो भी आरोपी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। साथ उन्होंने ये भी कहा है कि संघ की शाखा में सरकार को बदनाम करने की ट्रेनिंग दी जाती है और कांग्रेस किसी भी तरह की तोड़फोड़ नहीं करती है, ये बयान उनका सामने आया है।